वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं। अभिजीत चौकसी फाउंडर Stockify.in हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित कुकरेजा फाउंडर अमित कुकरेजा एडवाइजरी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। और विकास पटनवाड़िया मेरे साथ फोन लाइन पर हैं जो कि अमित से अपना सवाल पूछेंगे। विकास नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप? बस फाइन, मैं फाइन हूं मैडम। ऑलराइट, आप हर महीने 6 फंड में 17,000 रुपए डालते हैं आपने कहा है, ठीक है? आपके फंड्स की डिटेल्स आपके पास दूसरा, है दूसरा एक फोलियो पोर्टफोलियो बनाया है, वो जोड़ा मैंने चेंजेस किया था उसमें। जो दूसरा पोर्टफोलियो मैंने बनाया है वो मैंने बताया है। तो आपने जो भेजा है उसी पर हम सवाल पूछ रहे हैं ना, क्योंकि जो आपने नहीं भेजा होगा उसकी जानकारी हमारे एक्सपर्ट के पास होगी नहीं। हाँ नहीं, तो आपने जो सवाल हमें व्हाट्सएप पर भेजा है सर, वही है ना? ठीक है। नहीं नहीं तो नहीं, तो आपने HDFC टॉप 100, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, SBI स्मॉल कैप, पराग्वारिका फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज, ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी आपके पास है ना, कि और भी फंड्स हैं? नहीं बस मैडम इतने फंड ही है। और दूसरा एक मेरी वाइफ के नाम से एक फंड है, वो IDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड है। वो आपने हमें भेजा नहीं है, क्या नाम बताया? IDFC हाइब्रिड इक्विटी। हाँ, वो मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैडम कि मेरा जो ये पोर्टफोलियो है उसमें से क्या ये मेरा फंड अगले 10 सालों के लिए ये पोर्टफोलियो मेरा सही रहेगा या उसमें कोई चेंजेस करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे को क्या है बैलेंस एडवांटेज फंड में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो कौन सी AMC का मैं बैलेंस एडवांटेज फंड रखूँ। अच्छा, आपने तो ये सब रिडीम कर लिए हैं लिखा है ना? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप ये इसको हटा के नीचे वाला मेरा नीचे वाला जो मैंने बताया है ना फोलियो पोर्टफोलियो उसके बारे में मेरे पास केवल एक ही है, ये मेरे पास केवल एक ही है आपके आपका ये सवाल जो है नहीं आया होगा। ठीक है, तो मैं पूछ ले, मैं यही रखो आप खाली इसमें से ICICI प्रूडेंशियल का इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड निकाल देना, बाकी यही बताओ आप एक्सपर्ट से। बस आपने दो तीन चीजें लिखी हैं, बट पहले मैं आपको जो आपने स्कीम्स चूज किए उनके बारे में क्विकली कुछ टिप्पणी कर देता हूँ। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, SBI स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और आपका ICICI प्रूफ बैलेंस एडवांटेज फंड, ये चारों अच्छे फंड हैं। चारों फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप बैलेंस एडवांटेज के बजाय एक प्योर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। इसको होल्ड करें, इसको सेल ना करें, क्योंकि आप एक प्योर इक्विटी बेस्ड पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो बैलेंस एडवांटेज खाली एक डायनामिक एसेट एलोकेशन करता है। आप डेट पार्ट का एलोकेशन छोड़ दीजिए, प्योर इक्विटी में रहिए। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका रिस्क टॉलरेंस है, आप एक स्मॉल कैप की वॉलिटिलिटी, एक फ्लेक्सी कैप की वॉलिटिलिटी एंड्योर कर सकते हैं, उसको सहन कर सकते हैं। दूसरा, आपने अपने क्वेश्चन में लिखा था कि आप पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप रिडीम भी कर चुके हैं और आपने एक ये नया पोर्टफोलियो बनाया अगले 10 साल के लिए, तो दो तीन वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपको देना चाहता हूं। पहला, कोई भी चीज अगले 10 साल के लिए टॉप परफॉर्मिंग नहीं हो सकती, तो आपको हर साल रिव्यू करना पड़ेगा, हर साल उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट असेस करनी पड़ेगी, उसका पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा कि वो अपने पीयर ग्रुप में, अपने कॉम्पिटिटिव फंड्स में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और अगर चेंजेस करना पड़े तो चेंजेस करने हैं आपको। ये एक डायनामिक मार्केट है, यहाँ पे कोई भी चीज गवर्नमेंट प्रोडक्ट की तरह अगले 10 साल तक स्टेबल नहीं रहती। दूसरा, आपने लिखा है आपने 5 साल में पोर्टफोलियो बनाया और रिडीम किया, तो आप ये पोर्टफोलियो बना के रिडेम्पशन करने वाला सिस्टम को त्याग दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए, आप जो भी पोर्टफोलियो बनाए उस पे कोई गोल अटैच कीजिए और उसके बेसिस पे उसको मॉनिटर कीजिए, उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू कीजिए और उसमें करेक्शन कीजिए अगर आपके वो गोल्स के नजदीक पहुंचाने में मदद नहीं कर रहा है। ये इन्वेस्टमेंट जो आप ROI बेस्ड करते हैं ये आपको चोट पहुंचा सकता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें। और जो पिछले 5 साल में रिटर्न देखा है वो हो सकता है अगले 5 साल में आपको नहीं मिले, क्योंकि पिछले 5 साल एक बहुत ही अनयूजुअल पीरियड था पैंडेमिक की वजह से। अब सब कुछ स्टडी ग्लोबल लोकल इकोनॉमी आपको मिलेगी, तो हो सकता है आपको वो वॉलिटिलिटी ना मिले और उस तरह का अल्फा ना मिले जो आपने पिछले 5 साल के इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस में गैदर किया। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और रंजीत सिंह पंजाब से हमारे साथ फोन लाइन पर है, नमस्कार। नमस्कार मैम।
चलिए आपका पोर्टफोलियो मेरे पास है, तो आप इन फंड्स में कितने साल तक निवेशित रहना चाहते हैं? 10 years सर। 10 साल, और कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है? मैम मुझे 1 crore तो चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। 1 crore चाहिए रिटायरमेंट के लिए? रिटायरमेंट कितनी दूर है? अपने चाइल्ड की आगे स्टडीज के लिए। चलिए, एक और, ये दोनों आपको 10 साल में ही चाहिए होगा? नहीं, रिटायरमेंट के लिए अभी मेरे पास टाइम है, 20 साल हैं अभी। ठीक है, और बच्चे की पढ़ाई का जो लक्ष्य है वो कितने सालों में पूरा होगा आपका? ये 12 साल बाद। 12 साल बाद चाहिए 50 लाख, और लगभग 20 साल के बाद चाहिए 1 crore। ठीक है, और मैं हर साल इसमें थोड़ा इंक्रीज भी कर सकता हूँ? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या इन्हीं फंड्स में करना चाहिए या नहीं? अभिजीत बताइए। हाय, गुड इवनिंग। सो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने एक अच्छा मिक्स ऑफ फंड्स लिया है, जिसमें ब्लू चिप भी है, मिड कैप्स भी है और स्मॉल कैप्स भी है। हालांकि एक चीज मैं बोलना चाहूंगा जो मैंने अक्सर देखी है हमारे क्लाइंट्स में भी, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टॉक का पोर्टफोलियो है तो उसमें कई बार क्या ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, जैसे कई पर 30-35-40 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लेते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में भी मैं देखता हूँ कि काफी सारे नाम कई बार एक आम निवेशक ऐड कर देता है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर इफ पॉसिबल आप थोड़ा ट्रिम डाउन कर सको और सिंपलीफाई कर सको आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक फंड है जो आप स्मॉल कैप में से ले सकते हो, जैसे कि डीएसपी या मिराई एसेट का जो फंड्स रहता है उसका मैंने परफॉर्मेंस देखा है तो काफी कंसिस्टेंट रहा है। और एक जो है आप मिड कैप कैटेगरी में से फंड ले सकते हो, लाइक कोटक या SBI, और लार्ज कैप में भी HDFC या ICICI का एक फंड ले सकते हो। तो इस तीन का एक मिक्सचर करके आप उसमें ऑलमोस्ट 90% जितना एलोकेशन कर सकते हो प्योर प्योर इक्विटी, एंड बाकी का 10% आप इंडेक्स फंड में भी रख सकते हो। जैसे कि आपने बोला आपका होराइजन 10-12 साल का है, सो दैट इज अ गुड इनफ होराइजन फॉर इंडेक्स फंड्स, और इंडेक्स फंड्स की जो फीस रहती है वो भी काफी नॉमिनल रहती है, और हिस्टोरिकली स्पीकिंग उन्होंने एटलीस्ट 11-12% जितना रिटर्न दिया हुआ है। सो बेस्ड ऑन दिस एलोकेशन आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा अभी जैसे मैंने देखा आपके पास 9 है, तो आप 9 से ट्रिम डाउन करके मे बी 5 या 6 कर सकते हो। एंड और एक कैटेगरी जो मुझे अच्छा लगा वो डिविडेंड फंड्स का लगा, तो जिससे आपको एक स्टेबल कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेशन हो सकता है बेस्ड ऑन द गोल्स जो आपने बताए। और राइट, चलिए, तो रंजीत जी के लिए ये सलाह आती हुई अभिजीत की तरफ से, लेकिन हम शो को आगे बढ़ाएंगे और सीधा रुक करते हैं अब निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अमित, क्या है आपका गुरु मंत्र आज का? देखिए कविता, आज मैं बहुत ही स्पेशल डे है, आज सचिन तेंदुलकर जी का 50th बर्थडे है, तो उनकी बर्थडे विशेष के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने उनसे लाइफ के लेसन्स लर्न किए हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट लेसन्स में ट्रांसलेट करके कुछ 4-5 चीजें जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला, हमेशा इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए, क्योंकि असली पावर ऑफ इन्वेस्टिंग जो होती है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। दूसरा, स्टे डिसिप्लिन्ड, जितना आप कंसिस्टेंटली अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहेंगे हर महीने, हर हफ्ते, हर क्वार्टर, जो भी फ्रिक्वेंसी आपको सूट करे उस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आप डिसिप्लिन रहिए, तो आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तीसरा, हमेशा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए, अपने लगाए हुए पैसे को किसी न किसी गोल से अटैच कीजिए। टारगेट अगर आप देंगे अपनी कंसिस्टेंट डिसिप्लिन को या हैबिट को, तो आप उस गोल तक शायद जल्दी, उस लक्ष्य तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तीसरा, मिस्टेक्स होंगी, मार्केट वॉलेटाइल है, कभी कभी रॉन्ग फंड सिलेक्शन भी होगा, कभी कभी मार्केट मूवमेंट भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, कभी कभी लाइफ की सर्कमस्टांस ऐसी हो जाएगी कि आपको पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा गोल टाइम से पहले, तो आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी रखिए, अपना गेम प्लान चेंज कीजिए। लास्टली,
आपको पता होना चाहिए आप कब क्विट करेंगे, मतलब कब आपका गोल आ जाएगा और गोल के नजदीक आने पे आप कैसे इक्विटी को क्विट करके डेट में डालेंगे, और जब गोल आ जाएगा तो आप कैसे पैसे को विड्रॉ करेंगे। ये क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ रिटर्न्स पे फोकस करके चलेंगे तो शायद आप वो चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे जो पैसा आपके लिए अचीव करने में सक्षम है। अभिजीत राइट मैं सिंपल मैंने एक ट्वीट भी काफी बार करा है, बट मैं शेयर करना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट हो या लाइफ, अगर आपको उसमें सक्सेस पाना है तो आपको इन तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो है नजर, जिगर और सबर। सो नजर टू आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक्स या राइट फंड्स, जिगर इज बेसिकली करेज टू प्रेस द बटन, मतलब आप करेज के साथ स्टॉक बाय करो, एंड सबर विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पेशेंस के साथ हमें होल्ड करना है। तो आने वाले 1 या 2 दशक मुझे लग रहा है, एटलीस्ट नेक्स्ट 10 to 20 years मुझे लग रहा है बहुत ही प्रॉमिसिंग होंगे इंडियन मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो आई बिलीव दैट एटलीस्ट इन तीन चीजों का अगर हम ध्यान रख पा रहे हैं बिफोर इन्वेस्टिंग आर हार्ड एंड मनी, तो एक रिटायरमेंट तक का पैसा हम बना सकते हैं आने वाले 5 या 10 साल में। तो वही मैं कंप्लीट करना चाहूंगा कि तीन चीज आप ध्यान रखो, नजर, जिगर और सबर। एंड अगर आपने ये तीन चीजों का ध्यान रख लिया तो स्टॉक मार्केट में कभी नहीं खुदेगी आपकी कब्र। थैंक यू। और राइट, चलिए शोका, आखिरी सवाल, और मंगेश कामली जी मेरे साथ फोन पर हैं। मंगेश जी नमस्कार, धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। सर आप, गुड इवनिंग सर, मेरा समय लगभग खत्म हो गया है, तो मेरे ख्याल से जो डिटेल्स आपने दी हैं हमारे एक्सपर्ट के पास हैं। अमित आपके पास आऊंगी सीधा, बताएं जल्दी से इनको क्या करना चाहिए इनके हाँ, पोर्टफोलियो तो में। मैं मंगेश को क्लियरली बोलूंगा 6 स्कीम्स में अपनी SIPs कंटिन्यू करें। कैनरा रबेको स्मॉल कैप, पीजीएम फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप। तो आपने बेसिकली 45,000 की आपको SIP चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 11 साढ़े 11 लाख रुपए ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर लिए हैं पिछले 36 महीने में 31,000 की SIP करके। अगर 13-14% का आप रिटर्न प्लान करें तो आप आराम से 1.44 1,44,00,000 एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस 45,000 रुपए की SIP से अगले आपने कितने साल में लिखा है, 10 साल में। तो आप SIP फिगर बढ़ा दीजिए और आपका जो फंड सिलेक्शन है वो अच्छा है। बस इन 6 में मैं रेकमेंड करूंगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स जारी रखें। तो आप क्योंकि ये स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप का एलोकेशन है प्रीडोमिनेंटली, तो आप आराम से 1.44 से लेके 1.64 करोड़ तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इंडिकेटिव रिटर्न्स ऑफ 14-15%। और राइट, चलिए मेरे साथ समय फिलहाल इतना ही है मेरे पास। मंगेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। नहीं भी आ गई है तो हमारा शो यूट्यूब पर जाता है, आप वहाँ भी देख सकते हैं और फंड्स के नाम नोट डाउन कर सकते हैं। बहरहाल अमित आपका, अभिजीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को लेकर। और आज की इस पेशकश में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपकी स्क्रीन पर हम एक नंबर छोड़ जा रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर आपको अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो हम तक पहुँचाना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है अपने किसी भी म्यूचुअल फंड को लेकर, इंश्योरेंस पॉलिसी पर सवाल पूछना चाहते हैं, निवेश पर टैक्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, क्रेडिट कार्ड के बकाए को लेकर कोई प्रॉब्लम है, या अपने लोन से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, तमाम सवाल आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर। नमस्कार।